हेलो स्टूडेंट्स हाउ आर यू टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज फाइव पॉइंट टू प्लीज़ ओपन पेज नंबर सेवेंटी हेयर एक्सरसाइज फाइव पॉइंट टू क्वेश्चन फर्स्ट इज़ चेक द डिविजिबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय टेन हमें ये बताना है कि इन नंबर्स में से कौन सा टेन से डिवाइड होता है या नहीं तो टेन से डिवाइड कौन से नंबर्स होते हैं जिसके लास्ट में ज़ीरो होता है तो फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है द डिजिट ऑफ यूनिट प्लेस फर्स्ट पार्ट में क्या है यूनिट प्लेस मिला फर्स्ट यूनिट प्लेस क्या होती है जो यानी कि फर्स्ट नंबर पे जैसे है 60, 60 पे फर्स्ट नंबर पे क्या है जीरो द डिजिट ऑफ यूनिट प्लेस अब यूनिट प्लेस में क्या है जीरो देयर फोर सिक्सटी इज डिविज बाई टेन जीरो है तो ये टेन से डिविजिबल है सेकेंड पार्ट क्या है इसका फोर्टी थ्री तो सोल्यूशन ऑफ सेकेंड पार्ट इज द डिजिट ऑफ यूनिट प्लेस इज़ नोट ज़ीरो क्योंकि फोर्टी थ्री में क्या है यूनिट प्लेस थ्री है यहाँ पे ज़ीरो नहीं है तो ये टेन से डिविजिबल नहीं है इसका थर्ड पार्ट अपने आप कर लेना फोर्थ रहने देना सेकेंड पार्ट इज डिवाइड ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय टेन और नोट द रिमाइंडर इन सारे नंबर्स को टेन से डिवाइड करना है और रिमाइंडर नोट करना है देन कंपेयर द रिमाइंडर विद वंस ऑफ द वंस डिजिट ऑफ द नंबर व्हाट डिड यू नोटिस अब ये क्या करना है इस क्वेश्चन में इस नंबर को टेन से डिवाइड करना है टेन से डिवाइड करके जो रिमाइंडर आएगा और उसका जो वंस डिजिट है उसमें नोटिस करना है कि क्या है तो सेकेंड क्वेश्चन का सोल्यूशन है हमने फोर्टी थ्री को टेन से डिवाइड किया हमारे पास क्वेश्चन कितना आया फोर और रिमाइंडर कितना आया थ्री तो रिमाइंडर हमारा थ्री आया और फोर्टी थ्री का भी जो यूनिट प्लेस है यानी कि यूनिट डिजिट है वो कितना है थ्री तो रिमाइंडर और यूनिट डिजिट क्या है सेम है तो ये प्रूव हो गया इसका भी सेकंड और थर्ड पार्ट अपने आप कर लेना थर्ड क्वेश्चन इज राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन द फॉर्म टेन ए प्लस बी इस जो नंबर्स दिए हुए हैं इनको इन फॉर्म में करना है यानी टेन से मल्टीप्लाई करके प्लस बी तो बी में ऐड कर देना बिल्कुल इजी इस सा क्वेश्चन है 161 तो 161 कैसे आएगा 16 की मल्टीप्लाई टेन से कर दे प्लस वन सेकेंड क्या है 549 यानी कि 54 फोर मल्टीप्लाई टेन प्लस वन ऐसे ही थर्ड क्वेश्चन और ऐसे इसका फोर्थ पार्ट है फोर्थ क्वेश्चन क्या है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स वेरीफाई वेरीफाई वेन द डिवाइडेड बाई फाइव दैन रिमाइंडर इज इक्वल टू द रिमाइंडर वन वर्स डिजिट ऑफ नंबर इज डिवाइडेड बाय फाइव ये नंबर्स दिए हुए हैं इनको फाइव से डिवाइड करना है फाइव से डिवाइड करके जो रिमाइंडर आएगा उसको भी फिर डिवाइड करना है ये देखना है कि वो नंबर्स उसके सेम आएंगे या नहीं आएंगे इसका सोल्यूशन यहाँ पे है तो वन थर्टी सेवन फोर्थ का फर्स्ट पार्ट क्या, किया वन थर्टी सेवन को फाइव से डिवाइड किया क्वेश्चन टाइग ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी सेवन आ गया और रिमाइंडर क्या आया टू जब हम वन थर्टी सेवन को फाइव से डिवाइड करेंगे क्वेश्चन इज ट्वेंटी सेवन रिमाइंडर इज टू तो वंस डिजिट जो नंबर था हमारे पास वन थर्टी सेवन इसकी पहली डिजिट क्या है सेवन ये सेवन है तो सेवन को भी हम फाइव से डिवाइड करेंगे क्योंकि पहले तो इसको डिवाइड करना फिर इसकी वंस डिजिट को तो वंस डिजिट को भी डिवाइड किया क्वेश्चन हमारा वन आ गया रिमाइंडर क्या आ गया हमारा टू तो जब हमने इस पूरी डिजिट को डिवाइड किया तब भी रिमाइंडर हमारे पास टू आया और जब हमने इसकी वन डिजिट को डिवाइड किया तब भी रिमाइंडर हमारा टू आया तो क्या देखा हमने ये दोनों क्या है इक्वल है वी ऑब्जर्व दैट दैटी सेवन इज डिविजिबल बाय फाइव देन रिमाइंडर इज इक्वल टू रिमाइंडर वेन इट्स वन डिजिट और डिविजिबल बाय फाइव दोनों रिमाइंडर सेम है ऐसे इसका सेकेंड और थर्ड पार्ट अपने आप कर लेगा नेक्स्ट पार्ट इज नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिफ्थ फिफ्थ क्वेश्चन और सिक्स्थ क्वेश्चन दोनों सेम है फिफ्थ क्वेश्चन मैं करवा रही हूँ सिक्स्थ अपने आप कर लेना इफ़ ए नंबर एन इफ अ नंबर एन डिवाइडेड बाय फाइव लीव्स अ रिमाइंडर थ्री एक नंबर को हम फाइव से डिवाइड कर रहे हैं तो वो रिमाइंडर हमें थ्री देता है वट माइट बी दन डिजिट ऑफ एन तो इसके लिए क्या सोल्यूशन होगा तो इसका फिफ्थ क्वेश्चन है क्या 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 हुआ क्वेश्चन में वी नो दैट वन अंबर इज डिवाइड बाई एन द रिमाइंडर इज इक्वल टू देन रिमाइंडर वंस डिजिट इज डिवाइडेड बाई फाइव हमारे पास ये गिवन है तो रिमाइंडर कितना दे रहा है थ्री सो वंस डिजिट ऑफ एन तो एक, बिल्कुल कॉमन सही बात है जब हम फाइव से किसी चीज़ को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर या फाइव आएगा या एट आएगा तो इसका यह सोल्यूशन होगा सिक्स क्वेश्चन सेम एज फिफ्थ क्वेश्चन डू योर सेल्फ Thank you students.